कम इन हिंदी क्लास। आज हम हिंदी की क्लास में हिंदी की बुक का पेज नंबर करेंगे 46। किसी की बैक एक्सरसाइज। दिए गए चित्रों को पहचानो और उनके नीचे लिखे शब्दों को पूरे करो। हमने चित्र पहचानने हैं और उनका उनको पूरा करना है। जैसे ये देखो, ये पिक्चर, ये देखो क्या है हमारा, पैसे है ना ये, तो इसको ये बोलते हैं पैसा। प को पै अक्षर के ऊपर, तो मात्रा सा आपकी मात्रा, तो क्या बन गया पैसा, पैसा। बे क्या हमारी, बैल, बै एक की मात्रा अक्षर के ऊपर, दो मात्रा बै ल बैल। अब ये देखो पिक्चर क्या हमारी, मैना, मैं एक की मात्रा अक्षर के ऊपर, दो मात्रा मैं ना मैना। क्या कवैया, गाना गा रहा है तो उसको कवैया बोलते हैं। ग वै एक की मात्रा अक्षर के ऊपर, दो मात्रा ग वै या गवैया। वै एक की मात्रा अक्षर के ऊपर, दो मात्रा ग वै या गवैया। पैसा पैसा, बैल बैल, मैना मैना, ग वै या गवैया। आगे हमारा है खाली स्थानों में सही शब्द भरो। खाली स्थानों में सही शब्द भरने हैं। जैसे देखो नंबर वन हमारा किसान, डैश लेकर खेत की ओर जा रहा है। अब देखो किसान क्या लेकर जा रहा है खेत की ओर, बेल बेल लेके जा रहा है या बैल बैल लेके जा रहा है। देखो ये हमारा है बे, ब को एक ही मात्रा है तो क्या बन गया बे, और यहाँ ब को एक ही मात्रा है तो क्या बन गया बै। ये क्या बनेगा वर्ड पूरा पढ़ो, बे ल बेल, और ये क्या बन गया हमारा बै ल बैल। क्या बन गया बैल, दोनों में डिफरेंस है। जब ब को एक मात्रा लगेगी तो बेल बन जाएगा, जब ब को दो मात्रा लगी है तो क्या बन गया बैल। तो किसान खेत में क्या लेके जा रहा है, बेल तो लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा खेत काम करने के लिए बैल। तो हम यहाँ बनेंगे बै एक की मात्रा अक्षर के ऊपर, दो मात्रा ल खाली बैल। आगे नंबर टू पे डैश जाना है, डैश कपड़े बदल लो, डैश जाना है, डैश कपड़े बदल लो। डैश जाना है, कहाँ जाना है, देखो मेले जाना है या मेले जाना है, मेले मेले कहाँ जाएंगे, मेले में, तो मेले इसका मतलब है मेले मेले, और ये क्या है मेले मेले, तो कहाँ जाएंगे मेले में। तो सबसे पहले कहेंगे मेले, में माँ को एक की मात्रा में, ला को एक की मात्रा ले, तो क्या बन गया मेले 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 जाना है। डैश बदल लो, डैश कपड़े बदल लो, कैसे कपड़े बदल लो, मैले कपड़े बदल लो, तो क्या आएगा मैं एक की मात्रा अक्षर के ऊपर, दो मात्रा ले एक की मात्रा अक्षर के ऊपर, एक मात्रा मैं ले मैले। ये क्या बन गया हमारा मेले मेले, और ये हमारा बन गया मैले मैले। नंबर थ्री है डैश पर फूल खिले थे, डैश पर फूल खिले थे, फूल देखो किस पर खिले थे, बेल बेल या बैल बैल, किस पर खिलेंगे फूल, बेल पर या बैल पर, किस पर खिलेंगे बेल पर, बैल पर तो नहीं खिलेंगे, बैल तो खेत में काम करती है, तो क्या किस पर खिलेंगे बेल पर। तो हम क्या लिखेंगे बेल, प को बे एक की मात्रा अक्षर के ऊपर, एक मात्रा ल खाली बेल। आगे डैश भाई वैभव कल नदी में डैश था, क्या था तैरा तैरा, नदी में तैरा, तेरा तेरा मतलब तेरा भाई, क्या बन गया यहाँ पे आएगा तेरा, ता को तेरा तेरा। अब यहाँ पे तैरा तो नहीं लिख सकते थे, अगर हम दो मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाएगा तेरा, हमने पर क्या लिखना है भाई पूछ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे तेरा भाई, तेरा भाई मेरा भाई, तो क्या बोलते हैं ते एक ही मात्रा आती है तो कहते पर एक मात्रा। भाई वैभव कल नदी में क्या करा उसने, तेरा तै, अब त को लगाएंगे दो मात्रा तेरा तेरा, ये बन गया हमारा तेरा तेरा, और ये बन गया तेरा, तेरा भाई वैभव कल नदी में तेरा था। आगे है शैलजा के डैश ने कैलाश चाचा के पैर छुए, शैलजा के डैश ने, शैलजा के किसने,
गया गैया ने या भै या भैया ने? शैलजा के किसने पैर छुए होंगे चाचा के? इसके भैया ने। इसके भैया ने चाचा कैलाश शैलजा के भैया ने। तो बनाओ भै या भैया। भै एक की मात्रा अक्षर के ऊपर, दो मात्रा या अकी मात्रा, भै या भैया। आगे हमारा किसी से डैश मत्रक। किसी से डैश मत्रक, क्या मत्रक? बैर बैर या बेर बेर, बेर तो खाने वाले होते हैं, और ये क्या है? बैर। किसी से बैर मत्रक, किसी पे बैर मत्रक, बै। इसलिए आपने देखा कि ए और ए की मात्रा हम लगाते हैं तो दोनों में कितना डिफरेंस होता है। जैसे बे ल, बे को एक मात्रा लगी तो बना बे ल बेल, और जब बै को दो मात्रा लगी तो क्या बना? बैल। बे ल बेल और बै ल बैल। इस तरह यहाँ पे माँ को दो मात्रा लगी तो मैं और ले, मैं ले। माँ को जब एक मात्रा लगी तो क्या वर्ड बना? मेले मेले। दोनों का मतलब अलग अलग है। इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, इसका भी मतलब अलग है, इसका भी मतलब अलग है। मतलब कि मात्रा लगाने से हमारा दोनों में डिफरेंस हो जाता है, अलग अलग वर्ड बन जाते हैं। इसलिए मात्रा ए और ए की मात्रा को हम बोल के ध्यान से लगाएंगे। अभी देखो ये भी बेल बेल, ये अबेल है और ये बैल है। बैल अलग होता है और बेल अलग होती है। ये है बन गया त को दो मात्रा लगाई तो क्या बना? तैरा। जब त को एक मात्रा लगाई तो क्या बना? तेरा। दोनों में डिफरेंस है, तैर हो गया तैरा, तैरना। तेरा जब हम किसी को बोलते हैं तेरा, ये तेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है, वो वाला तेरा। गै या गैया और भै या भैया। अब यहाँ पे भी बै, ब को दो मात्रा लगी तो बैर बैर बन गया, और एक मात्रा लगी तो बेर बेर बन गया। बैर हो गया मतलब किसी से झगड़ा मत करो, और बेर हो गया मतलब किसी, बेर खाने की चीज़ होती है, बैर बेर। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अगर हम यहाँ पे बैर की जगह ब को एक मात्रा लगाते तो क्या बन जाता? किसी से बैर मत करो। बैर क्या मीनिंग होता है? किसी से बैर मत करो। बै एक की मात्रा अक्षर के ऊपर, दो मात्रा। नेक्स्ट है हमारा गुनगुनाओ पोयम है। सुबह सुबह, सुबह सुबह, सुबह सुबह हम करते करते सैर सैर, सुबह सुबह हम करते सैर। भै या भैया, रहे रहे नदी नदी में तैर तैर, भैया रहे नदी में तैर। और जब मैं आता है मैं के पीछे हमें यहाँ बिंदी लगाते हैं। बैठ बैठ, पेड़ पेड़, पर पर, मैना मैना, गाती गाती, बैठ पेड़ पर मैना गाती। कैसा कैसा, मीठा मीठा, राग राग, सुनाती सुनाती, कैसा मीठा राग सुनाती। मैना मैना, मैना मैना, जरा जरा, बताना बताना, मैना मैना, जरा बताना। कैसे कैसे, सीखा सीखा, मीठा मीठा, गाना गाना, कैसे सीखा मीठा गाना। सुबह सुबह हम सैर करते सैर, भैया रहे नदी में तैर, बैठ पेड़ पर मैना गाती, कैसा मीठा राग सुनाती। मैना मैना जरा बताना, कैसे सीखा मीठा गाना। ओके, अब आपने ये पोयम लर्न करनी है, इसकी तरह रीडिंग करनी है। ओके, अब हमारी जो हिंदी की मात्राएं हैं फर्स्ट सेमेस्टर की ख़त्म हो चुकी है। हमने अब हिंदी की मात्राएं फर्स्ट सेमेस्टर में हमें यहीं तक करनी थी, ए की मात्रा तो आगे, ठीक है। इससे आगे मात्रा हमारी सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट होगी। अब आपने ए की मात्रा तक की ही प्रैक्टिस करनी है।